Hey, what's up guys? London Vlog Day 2 में आपका स्वागत है और ये है Finsbury Square और ये जो सामने आप व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में मेरा होटल था और ये अभी आप देखेंगे होटल का नाम था Travelodge और मैं यहाँ स्टे किया था और यहाँ देखिए मैंने अपने दिन की शुरुआत की है। एक्चुअली सुबह मैं अपना थोड़ा सा वॉक वॉक करने के बाद आई स्टार्टेड माई डे और ये जो मैं जहाँ चल रहा हूँ इस समय दैट्स अ Finsbury Square और मेरे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे जो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रही है उसके पास में Finsbury Square कार पार्किंग है और एक पार्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। मैं एक्चुअली टाइम निकाल के नहीं जा पाया वहाँ पे, तो अगर अभी आप कभी ट्रैवल करें तो देख सकते हैं। और ये जो लेफ्ट में आपको बिल्डिंग दिख रही है दैट्स अ ब्यूटीफुल यू नो इसी के पीछे है Finsbury Square पार्क वेयर यू नो आप ट्राई कर सकते हैं अगर जाना चाहें। और देखिए पीछे से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे और ये देखिए पीछे आपको मोर दिखेगा Finsbury Square का। और यहाँ पे रोड क्रॉसिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पे एक जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है, वहाँ पे एक बटन होता है जिसको आप सिंपली प्रेस करते हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है, यू कैन पास। हाँ, ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये Finsbury यू नो कार पार्किंग है। तो यहाँ पे मैं अपने ऑफिस ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो है ऑफिस ट्रैवल यू नो बाय वॉक ही करना चाहते हैं, तो अराउंड अगर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है तो यूजली लोग पैदल ही चलते हैं और बहुत ही प्लीजेंट मौसम रहता है, हवा बहुत ही फ्रेश होती है। तो मैंने भी सोचा कि चलिए आज वॉक करके ही जाएंगे हम। देन आई वाज जस्ट टेकिंग वॉक, ये पीछे देखिए Finsbury की बिल्डिंग है ये, और अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद आई टेक अ लेफ्ट, ये Finsbury का पार्किंग का बोर्ड भी देख सकते हैं, दैट्स द प्लेस। और हाँ, और ये इस समय पे आई थिंक ये टाइम हो रहा था, आई थिंक मुझे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना था, तो आई थिंक मैं 8:30-9 बजे के आसपास निकल गया था, कंसीडरिंग कि फर्स्ट टाइम मैं लंदन ऑफिस जाऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ से लेफ्ट ले लिया है, तो लेफ्ट लेके मैं ये जो मैं आ गया हूँ ये 4 Chiswell Street के आसपास आ गया हूँ। अभी ये जिस स्ट्रीट में मैंने टर्न लिया है यू नो इसको बोलते हैं 4 Chiswell Street। इस स्ट्रीट में आपको अभी बुरॉक मिलेगा लंग यू नो, और इत्सू भी है, इत्सू जैसे चाइनीज आइटम्स की शॉप यहाँ इंडिया में भी है इसी तरह वहाँ पे भी है। तो अभी ये जो मेरे राइट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ग्लास बिल्डिंग जो पीछे चली गई उसी वो इत्सू है, वहाँ पे आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिलता है, मैंने Day 1 में किया था वहाँ पर। इनफैक्ट जो मैं आगे आपको शायद अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मैंने वहाँ पे क्या किया और कैसा ब्रेकफास्ट था वहाँ पे। और फिर मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ये देखिए Chiswell 4 Chiswell Street की बिल्डिंग है ये, देयरफॉर इस स्ट्रीट का नाम 4 Chiswell Street बोला जाता है। और मैं यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा, आई थिंक मैं अगर मुझे याद है तो टेम्परेचर उस टाइम पे यही कोई क्योंकि दिन का टाइम था तो माइनस तो नहीं कहूँगा, ये पॉजिटिव में आई थिंक 4 या 5 के आसपास टेम्परेचर था, काफ़ी ठंड थी उस टाइम पर, बट क्योंकि एक अच्छी धूप निकली हुई थी तो आई वॉज एबल टू इन्जॉय। यहाँ पे बैंक की बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं आपको, लोग काफ़ी अमेज फील करते हैं जब आप इस तरह का एक यू नो कैमरा लेके आप घूम रहे हैं और वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए और फिर मैंने आई कैन फील मैं ये वीडियो देख के फील कर पा रहा हूँ कि कैसा फीलिंग हो रहा था मुझे, बट ऑब्वियसली मैं ये अपनी वीडियो में शायद ही कवर कर पाऊँगा। मैं अपनी Chiswell स्ट्रीट में चल रहा हूँ तो अभी आगे जाके अभी माइकल हाउस पड़ेगा, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, माइकल हाउस बोलते हैं उसे हम। हाँ, तो ये मेरे राइट साइड में पड़ेगी जो कि बहुत ही प्यारा घर है, आई एम नॉट श्योर किसका है। और क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा था तो आइडियली मेरे पास कुछ लगेज नहीं था क्योंकि लगेज मैंने अपने होटल में छोड़ दिया था। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये टिस्को एक्सप्रेस है, ये क्या होता है यहाँ पे सारा आपको ग्रॉसरी आइटम जैसे इंडिया में होता है इसी तरह वहाँ पे टिस्को एक्सप्रेस होता है, वहाँ पे आप कोई भी ग्रॉसरी वगैरह ले लेते हैं। मैंने तो स्पेशली मॉर्निंग में वाटर भी यू नो वहीं से लिया था टिस्को से, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है आपको यू हैव टू बाय, तो मैंने आई थिंक 2.5 पाउंड में 5 लीटर पानी मुझे मिल गया था, एंड दैट वॉज मेरे लिए शायद काफ़ी था, बट क्योंकि ठंड में पानी कम पिया जाता है। तो वो रहा वहाँ पे और अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस रोड पे और क्या क्या पड़ने वाला है और मैंने क्या किया किस तरह से किया। अभी ये देखिए
अभी आगे मैं एक आदमी से भी मिलता हूँ जो मुझे बताता है, ये लेफ्ट में देखिए ये रहा माइकल हाउस जो अभी मैंने आपको बताया था, माइकल हाउस 35। यही वो ब्यूटीफुल खूबसूरत सी बिल्डिंग था। मैं टाइम कम था तो मैं शायद कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि फिर रोज़ मैं ऑफिस, फिर मैं यूजली कई बार अपनी जो बिग बस होती है उसको भी ले लेता था। उसमें बिग बस में क्या होता है, 2.5 pound के आसपास का ट्रैवल लगता है इतने का। बट एक्चुअली मेरे पास एक ऑयस्टर कार्ड था जो मुझे कंपनी से भी मिला था, और मैंने एक्चुअली एयरपोर्ट पे उतरते ही मैंने ऑयस्टर कार्ड बनवा लिया था। तो ऑयस्टर कार्ड जो है आपका मेट्रो, जिसे हम ट्यूब बोलते हैं वहाँ पे लंदन में, ट्यूब में भी काम आ जाता है, बसेस में भी काम आ जाता है, तो वो मैं ट्यूब में वही यूज़ करता था। तो ये फर्स्ट डे था तो इसलिए मैंने, अब ये यहाँ पे मैं जो एक ये कैब वाले भैया से जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने एयरपोर्ट से जब वापस मैं आया था अपने ट्रैवलॉज होटल की तरफ, जो कि फिन्सबरी सिटी फिन्सबरी स्क्वायर में था, तो मैंने कैब की थी, बट उस टाइम पे मैंने बिल नहीं लिया था। तो वो बिल मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर क्या आप मुझे एक बिल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बिल नहीं लिया था। तो वो मुझे वही डिस्कशन चल रहा है, बट ही वॉज अ वेरी जेन्युइन गाय, तो उन्होंने मुझे वो बिल दे दिया था कि ये ले लो आप। तो दैट एक्चुअली हेल्प मी। तो अभी मैं यहाँ से इनको थैंक्स करके मैं चल पड़ता हूँ, और अभी मेरे पास आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है, वो एक्चुअली मैं सेंट्रल लंदन में है ये जगह जहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो वो सेंट्रल लंदन में मैं पहुँचूंगा, तो उसे बोलते हैं सिटी ऑफ लंदन। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी मेरे पास सबसे पहले आएगा बार्बिकन सेंटर। तो बार्बिकन सेंटर एक्चुअली क्या है, इट्स अ एग्जीबिशन प्लेस जहाँ पे एग्जीबिशन होती हैं अलग अलग तरीके। तो अभी ये आप देखेंगे, अभी दिखाऊंगा आगे। बार्बिकन सेंटर में मैं जाऊँगा, फिर उसके बाद जगाओ हारी करके एक जगह आती है, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था, बट मुझे टाइम नहीं था तो मैं उसके अंदर जा नहीं पाया कि क्या था वहाँ पे। फिर वहाँ पे अभी सिनेमाज भी आएगा जहाँ पे मैं मतलब टाइम निकाल के मूवी देखने भी गया था, जो मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये देखिए, ये वहाँ पे एक क्रॉसिंग है, तो मुझे याद नहीं, इसको आई थिंक बार्बिकन सेंटर ही बोलते हैं, दैट्स द प्लेस आई थिंक। और ये जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये सिनेमाज है जैसे इंडिया में, और वो सिटी ऑफ लंदन है, वहाँ से एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो उस एंट्री में ये ब्यूटीफुल सी जो आपको देख रहे हैं अंडरपास टाइप का, ये सिटी ऑफ लंदन है, और ये लेफ्ट में जो था आपको वो सिनेमाज था। तो जैसे यहाँ इंडिया में भी एक साथ 2-3 शो चलते हैं, वहाँ पर भी, तो बट मैं टाइम ये सिनेमाज लेफ्ट में दिख रहा हूँ आपको। और फिर मैं वहाँ पहुँच गया था, और अभी मैं सिटी ऑफ लंदन में एंटर कर चुका हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिटी ऑफ लंदन में मेरा ऑफिस कहाँ था और मैंने वहाँ क्या क्या किया। तो और ये मेरे डे टू की जर्नी है। डे टू में मैं एक्चुअली सुबह उठने के बाद मैंने अपना ले करके, और आगे मैंने फॉलो अप में आपको दिखाया है कि मैंने और क्या क्या किया। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं बार्बिक्यू सेंटर की कार पार्किंग है, यहाँ पे कार पार्किंग का प्लेस फिक्स है, आप कहीं भी पार्किंग नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई थिंक 25 pound का आपका पेनल्टीज पड़ती है। तो ये मेरे राइट साइड में आप देखेंगे कि ये बार्बिकन सेंटर आ गया है जहाँ पे एग्जीबिशन हॉल है, ये सिटी ऑफ लंदन आगे जाके है, पर यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ। तो ये है बार्बिकन सेंटर एग्जीबिशन हॉल। तो ये क्या है, 1 or 2 हॉल है, इसके उल्टी साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका 3rd हॉल है, और मेरे लेफ्ट साइड में अभी मैं आपको अपना ऑफिस दिखाऊंगा। अब मैं अपने ऑफिस पहुंच गया हूं, लेफ्ट में रेड एंड वाइट कलर की बिल्डिंग है, यही है मेरा ऑफिस। और इसी के साथ डे 2 फिनिश होता है, और अब आगे डे 3 के लिए रिकैप देखिए।